यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की प्रमुख तिथियों, पात्रता मानदंड और परीक्षा पैटर्न के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की प्रमुख तिथियां, अधिसूचना जारी अक्टूबर 2024, अनुमानित है कि इसकी अधिसूचना अक्टूबर 2024 में जारी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन शुरू अक्टूबर 2024, ऑनलाइन आवेदन समाप्त नवंबर 2024, एडमिट कार्ड जारी होगा दिसंबर 2024 में और परीक्षा की तिथि दिसंबर 2024, अंतिम तिथियां जल्द ही घोषित होंगी। परिणाम की घोषणा जनवरी 2025 अनुमानित है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 पात्रता मानदंड क्या है? शैक्षणिक योग्यता जो है उम्मीदवारों की पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 55% अंक 55% अंक होने चाहिए, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक की आवश्यकता है, यानी कि 50 और 55 अनारक्षित, और जनरल के लिए 55%। अब बात करेंगे हम लोग आयु सीमा पे, एज लिमिट। जेआरएफ के लिए 1 दिसंबर 2024 तक उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाती है। इसमें सहायक प्रोफेसर के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, सहायक प्रोफेसर बनने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 परीक्षा पैटर्न पर बात करें तो ये परीक्षा जो है 2 पेपरों में होती है, दोनों एक ही सत्र में आयोजित किए जाते हैं, पेपर वन और पेपर टू दोनों एक ही सत्र में आयोजित किए जाते हैं। पेपर वन यह सभी उम्मीदवारों के लिए सामान्य पेपर है, जनरल पेपर इसको बोलते हैं। इसमें 50 प्रश्न होते हैं जो शिक्षण योग्यता, शोध क्षमता, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान पर आधारित होते हैं। पेपर टू में यह विषय पर आधारित होता है, आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एजुकेशन, जो उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय पर आधारित है। परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे में दोनों पेपर के लिए 3 घंटे मिलेंगे आपको। अंक प्रणाली क्या है इस पर चर्चा कर लेते हैं। 3 घंटा मिलेगा अंक प्रणाली में। पेपर वन के लिए 100 अंक और पेपर टू के लिए 200 अंक होंगे, जिसमें पेपर वन में 50 क्वेश्चन और पेपर टू में 100 प्रश्न होंगे। नकारात्मक अंकन नहीं है। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। उम्मीदवारों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे और शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क क्या होगा? तो सामान्य वर्ग के लिए 1,100 रुपया, ओबीसी के लिए 550, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर 275 रुपया। परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए परीक्षा केंद्र देश भर के विभिन्न शहरों में होंगे। उम्मीदवार आवेदन फॉर्म भरते समय अपने पसंदीदा केंद्र का चयन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ सप्ताह पहले जारी किया जाएगा, जिसमें परीक्षा केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होगी। परिणाम और कटऑफ की बात करें तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के परिणाम जनवरी 2025 में जारी किए जाएंगे। सहायक प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए अलग अलग कटऑफ जारी किए जाएंगे। न्यूनतम पात्रता अंक इस प्रकार है, सामान्य वर्ग के लिए 40% दोनों पेपर में, आरक्षित वर्ग के लिए 35% दोनों पेपर में,